सोशल नेटवर्किंग ऐप ट्विटर ने भारतीय यूजर्स के लिए फ्लीट्स फीचर की शुरुआत की है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ऐसे ट्वीट, फोटो और वीडियोस शेयर कर पाएंगे जो सिर्फ 24 घंटे के लिए होगा। जी हाँ, ट्विटर का ये नया फीचर पूरी तरह से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्टोरीज से काफी हद तक मिलता जुलता है। ट्विटर का ये भी कहना है कि ऐसे फ्लीट्स जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, उनके बारे में शिकायत करने की भी सुविधा होगी। इस नए फीचर के जरिए ट्विटर यूजर्स अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तरह ट्विटर पर भी स्टोरीज शेयर कर पाएंगे। फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में है। ट्विटर ने भारत में iOS और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इस नए फीचर को उपलब्ध करवाया है। ट्विटर इंडिया ने एक ट्वीट में वीडियो शेयर कर इस फीचर की जानकारी भी दी है। आने वाले कुछ दिनों में देश में भी सभी यूजर्स इस नए फीचर को अपने मोबाइल ऐप में यूज कर पाएंगे। ट्विटर यूजर्स को नए फीचर के लिए ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए यूजर्स को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को अपडेट करना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जिस तरह से आप स्टोरीज 24 घंटे तक देखते हैं, उसी तरह से ट्विटर पर फीड्स को 24 घंटे तक ही देख पाएंगे। हालांकि ट्वीट्स की तरह फीड्स को रीट्वीट, लाइक या फिर उस पर रिप्लाई नहीं किया जा सकेगा। लोग सिर्फ आपके फीड्स पर रिएक्ट कर सकेंगे और डायरेक्ट मैसेज कर सकेंगे। ट्विटर फीड्स को यूजर्स के प्रोफाइल पर जाकर देखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप यूजर को फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ ही इसे एम्बेड भी नहीं किया जा सकता। स्टोरीज की तरह ये कुछ देर तक प्ले होते हैं। स्क्रीन पर प्रेस करने पर इसे देर तक देखा जा सकता है। इसके साथ ही यूजर्स ये भी देख पाएंगे कि उनके फ्लीट्स पोस्ट को कितने यूजर्स ने देखा है। ब्राजील और इटली के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश है जहाँ ट्विटर इस सुविधा का परीक्षण कर रहा है। आपको ट्विटर का यह नया फीचर कैसा लगा, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें।